हेलो जी नमस्ते, छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय चौहान और आपके लिए एक और नई भर्ती की नोटिफिकेशन जो है लेकर के आ गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की तरफ से जो है यहां पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप करना है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, वे जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत निकाली गई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। बता दें, ये जो भर्ती निकाली गई है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत जो है निकाली गई है, किसी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है। इसमें केवल एक वर्ष का जो है आपको ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। एक वर्ष के ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको यहाँ पर इनके जो भी काम होते हैं वो जो है सिखाया जाएगा। उसके बाद जब किसी तरह की वैकेंसियां जब सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर आयोजित की जाएंगी, भर्तियाँ निकाली जाएंगी, तो उस भर्ती के लिए आपके पास अनुभव आ जाएगा और अनुभव के बेस पर जो है आप उस भर्ती के लिए जो है आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल मैं आपको छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है जो भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है 17 मार्च को जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ग्रेड के लिए जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत जो है भर्ती निकाली गई है, कौन कौन से उम्मीदवार इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, योग्यता क्या रखी गई है, और इसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा और इसमें आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में जो है आपको इस वीडियो में जो है जानने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो का लाइक करना ना भूलिए। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत निकाली गई अप्रेंटिसशिप की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। बता दें, ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो है एक वर्षीय जो है आपको ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा, यानी कि इस ट्रेनिंग में आपको एक वर्षों का जो है समय यहाँ पर लगाना होगा। एक वर्षीय ट्रेनिंग जो है यहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकाला गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए, जो कि इंजीनियरिंग वालों के लिए होंगे। दूसरा है डिप्लोमा, जो कि ये भी इंजीनियरिंग वालों के लिए हैं। और एक और जो है निकाला गया है वो कि है ग्रेजुएट वाले, यानी कि नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वाले हैं, जैसे कि बी कॉम पास हैं, बी बी ए पास हैं, या फिर जिनके पास बी सी ए की डिग्री है, बी एस सी की जिनके पास डिग्री है, वे भी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। तो तीन अलग अलग कैटेगरी में जो है कह सकते हैं यहाँ पर ये जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो तीनों ही भर्ती के लिए जो है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वाले के लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले जो हैं इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और इसकी योग्यता क्या रखी गई है और आपको जो भी स्टाइपन वगैरह मिलेगा वो जो है कितना मिलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है चार अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे, और जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है वे भी जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो कि इंजीनियरिंग कैटेगरी है, इसमें टोटल 48 जो है सीट यहाँ पर रखे गए हैं और इसमें प्रति माह 9,000 रुपये का जो है आपको स्टाइपेंड जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेन में अगर आपने जो भी इंजीनियरिंग किया हुआ है आप जो है इसके लिए अप्लाई जो है कर पाएंगे। इंजीनियरिंग वालों के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वालों के लिए 48 सीट जो है इसमें रखे गए हैं। वहीं दूसरी जो कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है डिप्लोमा वालों के लिए लगी गई है। डिप्लोमा जिनके पास इलेक्ट्रिकल में जो है डिप्लोमा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनके पास डिप्लोमा है, जिन्होंने सिविल में डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनकी जो टोटल सीट है यहाँ पर 63 सीटों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी और राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्था से जो संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यहाँ पर 5 अलग अलग संकाय के बारे में बताया गया है, जिनमें से किसी भी संकाय में जो आपके पास डिप्लोमा है आप अप्लाई कर पाएंगे। और डिप्लोमा वाले को जो है प्रति जो माह है आपको 8,000 रुपये का जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें नॉन ग्रेजुएट यानी कि नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बताया गया है बैचलर ऑफ साइंस, यानी जिनके पास बीएससी की डिग्री है चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो वे जो है अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम वाले भी इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे, बीसीए वाले भी जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और बीबीए वाले भी जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉन इंजीनियरिंग वालों की कैटेगरी में जो है टोटल यहाँ पर 45 सीटों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी
और इसके लिए जो है 9,000 रुपये का प्रति माह जो है आपको छात्रवृत्ति जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जिन अभ्यर्थियों की ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो भी बताई गई है वो है, तो वो जो है आप इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। टोटल अगर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भर्ती की प्रक्रिया के बारे में देखें तो पहले नंबर वाले में 48 सीटों पर भर्ती होगी, दूसरे नंबर में 63 सीटों पर भर्ती होगी और तीसरे नंबर में जो है 45 सीटों पर भर्ती होगी। तो टोटल यहाँ पर 156 सीटों पर जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं और इस भर्ती के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और महिला और पुरुष दोनों तरह के जो है आवेदक इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अब जानते हैं इसके कुछ भर्ती के नियम और शर्तों के बारे में कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो भर्ती के संबंध में क्या नियम और शर्तें वगैरह जो है रखी गई हैं। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले नंबर पॉइंट में चयन की प्रक्रिया, प्राप्त आवेदक पत्रों में उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो जिस भी कैटेगरी के लिए जो है आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जितने भी अंक आपने अर्जित किए हुए, जितने भी परीक्षा में आपने अंक प्राप्त किए हैं, तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और इस भर्ती के लिए जो है किसी तरह का आपसे कोई परीक्षा जो है नहीं लिया जाएगा, मेरिट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि प्रशिक्षण की जो भी अवधि होगी वो कितनी की होगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक वर्ष की जो है यहाँ पर अवधि होगी और इस एक वर्ष की अवधि को पास कर लेने के बाद जो है आप यहाँ पर ये भी बताया गया है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अस्थाई या स्थाई किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए जो है यहाँ पर हकदार नहीं होंगे, उस संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर बताया गया। मतलब कि ये जो प्रोग्राम है केवल प्रशिक्षण प्रोग्राम है, इसमें केवल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग पास कर लेने के बाद जो है आप इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है इस पर किसी तरह के स्थायी या फिर अस्थायी रोजगार हेतु जो है यहाँ पर हकदार नहीं होंगे, उस संबंध में बताया गया है कि आप इसके लिए मांग नहीं कर सकते। आने वाले समय में जब किसी तरह की जब इसमें भर्तियाँ जो है निकाली जाएंगी तो उस भर्ती का ही केवल जो है हकदार होंगे, ट्रेनिंग करते समय जो है आप इसके हकदार नहीं होंगे। और ट्रेनिंग के बाद जो है आप कंपनी पर ये नहीं बोल सकते कि आपने हमें ट्रेनिंग दिया है अब हमें जल्दी से जॉब दीजिए, इस तरीके से आप नहीं कह सकते। तो इसके बारे में भी जो है आप बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ें जो है बताई गई है, तीसरे नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को कार्य करने का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं वे उम्मीदवार इसके लिए जो है पात्र नहीं होंगे। मतलब कि वे उम्मीदवार जो किसी तरह के जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में पहले शामिल हुए हैं या फिर अभी शामिल हुए हैं वे अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत जो है नहीं कर पाएंगे, वे जो है इसकी पात्रता जो है नहीं रखते, उस संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगली जो है पॉइंट में बताया गया है, पाँचवें नंबर पॉइंट में जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनको रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा और वाहन की सुविधा जो है उपलब्ध नहीं होगी, इस संबंध में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रशिक्षण अवधि में जो है आपको रहने की और आने जाने की व्यवस्था जो है अपने से खुद से जो है यहाँ पर करनी होगी और इस संबंध में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर छठवें नंबर में ये भी बताया गया कि अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NATS के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन होना जो है अनिवार्य है। तो जो भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका जो है नेट्स के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर जिनका नेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है वे जो है जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा के इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी छाया प्रति आप जो संलग्न करेंगे, दस्तावेज जो लगने वाला है उसके बारे में जो है आठवें नंबर पॉइंट में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी आपकी योग्यता वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करते समय जो है करेंगे। 10वीं 12वीं की अंकसूची की छाया प्रति, आपके पास स्नातक है डिप्लोमा है उसकी जो है छाया प्रति करेंगे, आपकी जो भी जाति है उसके बारे में जो है आप यहाँ पर छाया प्रति संलग्न करेंगे, अपना जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका जो प्रमाण पत्र है उसकी छाया प्रति जो है आपको यहाँ पर करना होगा। बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो यहाँ पर बताया गया आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन पत्रों को दिनांक 26 तारीख चौथे महीने 2024 तक डाक के द्वारा या सीधे कार्यालय में जो है आपको उपस्थित होकर के जमा यहाँ पर कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात जो है आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उसके संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब जानते हैं कि आवेदन आपको जो है कहाँ पर करना होगा, तो यहाँ पर दो तरीका बताया गया है, या तो आप डाक के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे
या फिर आप कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए जो भी दस्तावेज संलग्न करने हैं उसको संलग्न कर लेने के साथ जो है यहाँ पर जो लिफाफा बताया गया है, लिफाफा का जो साइज़ बताया गया है, तो इतने साइज़ के लिफाफे आपको जो है लेना होगा और उसमें सभी अपने डॉक्यूमेंट को जो है भरना होगा। और भर करके जो है आप चाहें तो यहाँ पर डाक के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे, या फिर आपको जो है कार्यालय में उपस्थित होकर के भी जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर कार्यालय के बारे में जो है जानकारी दिया गया है, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड गुढ़ियारी रायपुर 492009 छत्तीसगढ़ के पते पर जो है आप उपस्थित हो सकते हैं, या फिर इसी पते पर जो है आपको आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लिफाफे का जो भी प्रारूप वगैरह होगा उस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि लिफाफे में जो भी आप फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, या फिर बना बुना फॉर्मेट भी जो है आपको मिल जाएगा तो वो भी जो है आप यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर पर जो है निकलवा सकते हैं और इस तरीके से भर करके जो है आप इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें जो भी आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र जो भी अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहते हैं स्पष्ट अक्षरों में जो है सही सही जानकारी अच्छे से भर करके जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन पत्र के प्रारूप को जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर पाएंगे और जो भी जानकारी इस आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई है, जो भी जानकारी आपके पास है वो जो है अच्छे से भर करके आप इसके लिए जो है आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो है यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वे जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर जरूर करिए और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए।